आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक शुरू। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को खतरे की चेतावनी, एयरपोर्ट पर किए गए बंद। मॉस्को दौरे पर गए इमरान खान, अमेरिका ने दी हिदायत, कहा रूस के विरोध में आवाज उठाए पाक। आज अमेठी और प्रयागराज में रैली करेंगे पीएम मोदी। यूपी चुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, अमेठी में पीएम तो प्रतापगढ़ के कुंडा में अखिलेश करेंगे चुनावी प्रचार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने बुधवार को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की और मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास परिसरों को खाली कर वहां से राजनयिक कर्मियों को निकाल दिया। यूक्रेन के सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल लगने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर के आदेश को मंजूरी दे दी। बृहस्पतिवार से शुरू होकर 30 दिन तक लागू रहेगा यह आपातकाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन पर आपातकालीन सत्र आयोजित करेगा। इस सप्ताह में ये दूसरी बार आयोजित होगा जब यूक्रेन पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतापगढ़ के रानीगंज कौथोला में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने अच्छी जांच परख अब कर ली है। कांग्रेस को छोड़कर कोई भी गैर कांग्रेसी दल देश को राजनीति में साफ सुथरा माहौल मुहैया नहीं करा सकता। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा ने किसानों तथा नौजवानों और हर वर्ग से जुड़े लोगों के साथ जुमलेबाजी और धोखाधड़ी की है। यूपी ही नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास खो दिया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रमोद तिवारी ने सदैव ही विकास और सिद्धांतों की राजनीति की है, जिसके कारण सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि रामपुर खास की आपकी विधायक आराधना मिश्रा मोना को देश के हर राज्य में सम्मान मिला करता है। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रमोद तिवारी ने क्षेत्रीय विकास तथा लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी विधायक बेटी मोना की तमाम उपलब्धियों पर जमकर प्रकाश डाला। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 27 को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना के लिए भी तमाम तरह के जनसंपर्क किए जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं और लगातार जनता से अपील की जा रही है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को ही अपना समर्थन दे। कहा जाता है कि सियासत में साम दाम दंड भेद चारों अपनाने पड़ते हैं और अगर चुनाव जीतना है तो ये गुण होना बेहद जरूरी है। एक ऐसा ही मामला सोनभद्र से सामने आया, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान सदर विधायक और भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे ने हाथ जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जिसके बाद झारखंड विधायक ने कहा कि गलती इंसान से ही होती है, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए वो कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगते हैं। हालांकि सदर विधायक अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी रिक्शा चलाकर तो कभी नंगे पांव चुनाव प्रचार करते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच पे ही उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया, और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब वो कोई ऐसा कारनामा जनता के सामने कर रहे हैं। इससे पहले भी वो नंगे पांव चुनाव प्रचार करते देखे गए और रिक्शा चलाते हुए भी देखे गए हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह उनके आसपास बैठे नेता उनको रोकने का काम कर रहे हैं। उठक बैठक नहीं कराया है हमसे, अगर कोई जाने अनजाने में भूल चूक हुई, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में चींटी भी हमारे पैर से मर जाती है, तो वो अगर 5 साल के दरमियान भूल चूक हुई है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हुए हम अपने जनता और कार्यकर्ताओं से उसके लिए माफी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीटों में गिनी जा रही है। यहां से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग में जनपद मैनपुरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव के दौरान विधानसभा करहल के गांव जसवंतपुर बूथ संख्या 266 पर मतदाताओं ने मतदान के प्रति भारी उत्साह दिखाते हुए 20 फरवरी को वोट दिया था, लेकिन बूथ से एक वीडियो वायरल होने के बाद बूथ कैप्चरिंग की शिकायत भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की थी। इसके बाद प्रेक्षक करहल ने पुनर्मतदान की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश पर जसवंतपुर में 23 फरवरी को चुनाव आयोग ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान कराया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जबकि मैनपुरी में तीसरे चरण में मतदान हो चुका था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी की शिकायत पर एक बार फिर से यहां पे मतदान हुआ 23 फरवरी को, यानी कि चौथे चरण, जब पूरे प्रदेश में चौथे चरण में मतदान चल रहे थे तब यहां पर पुनर्मतदान हुआ। इस दौरान लोगों ने मतदान स्थल पहुंचकर अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया है। ये करहल विधानसभा का बूथ नंबर 266 है जसवंतपुर, इस पर पुनर्मतदान का आदेश दिया भारत निर्वाचन आयोग ने। हम लोग सब जो है यहाँ के मतदाताओं से कल अपील कर गए थे, बाकी मतदाता सब अपना 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 वोट डाल रहा है सुबह से ही, और उन्हें मतदान के लिए जो उत्साह है और पूरी उत्साह। क्या कारण रहा जो पुनः मतदान किया जा रहा है? ये एक कोई टेक्निकल कारण था कि एक महिला आशा कार्यकर्ता थी, उसको पोलिंग पार्टी ने पोलिंग स्टेशन के अंदर अपनी मदद लिए रख लिया, हालांकि वो भी सरकारी कर्मचारी थी लेकिन वो पोलिंग पार्टी के साथ ड्यूटी में नहीं थी। उसी बात को लेकर किसी ने वीडियो बना के भेज दिया, उसके आधार पर पुनर्मतदान हुआ है। कार्यकर्ताओं हमारे जो वोटर्स थे या कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से कोई मतदान में गड़बड़ी नहीं की गई थी, और मतदान 71% हुआ था, मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा मतदान। कर्नाटक राज्य में एक तरफा उठे स्कूल में हिजाब पहनने की मांग के बीच राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं में बजरंग दल से संबंध रखने वाले एक युवक की हत्या के बाद अब ये मामला देश भर में गर्मा गया है। अलीगढ़ में मारे गए युवक के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर अलीगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान जमकर नारेबाजी और भगवा झंडा हाथ में लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो अब आपको बता दें कि एक बार ये मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई है, साथ ही फांसी देने की भी आवाज उठाई गई है। देवरिया के पथरदेवा विधानसभा के बरवामीर में एक समारोह आयोजित कर पूर्व मंत्री शाकिर अली की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। वक्ताओं ने उनके संघर्ष और उनके योगदान को याद किया। समारोह में स्वर्गीय शाकिर अली के पुत्र परवेज आलम ने स्वर्गीय शाकिर अली के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके चित्र के सामने पड़े
आपको बता दें कि परवेज आलम स्वर्गीय शाकिर के पुत्र और पत्थरदेवा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी हैं। परवेज आलम ने बताया कि हमारे पिता स्वर्गीय शाकिर अली राजनीति में एक अलग पहचान बनाते हैं, मैं उन्हीं के आदेशों पर चलने का कार्य कर रहा हूं। बहुत उनकी याद आती है हमारे पिताजी की। आज मैंने उनकी फोटो देखी, मैं अपने को रोक नहीं पाया। आज मेरे माँ बाप का साया मेरे सर छूट गया, पार्टी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। चाहे मेरे पिताजी रहे हो चाहे हम रहे हो, पूरा जीवन हम लोगों ने जनता के लिए समर्पित कर दिया। तो मुझे भरोसा है पत्थरदेवा की जनता पे कि वो मेरे साथ न्याय करेगी। जो मेरे पिता के अधूरे काम है मैं उसको पूरा करूँगा और सर समाज को लेके साथ चलूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं यहाँ पे बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है, अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है, एक उद्योग की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो है महंगाई जो है उसको भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा कि वो कम हो जाए। सिद्धार्थनगर में गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रोड शो किया। डुमरियागंज से शुरू हुए इस रोड शो का इटावा में जोरदार स्वागत किया गया। वही इस दौरान इटावा से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पक्ष में वोट करने के लिए रवि किशन ने लोगों से अपील की। वही इटावा के महादेव गुरहू में रवि किशन समेत तमाम भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बार पूरी तरह योगी और मोदी की लहर चल रही है बोला। जबकि स्थानीय जनता क्षेत्र और यूपी के विकास को देखते हुए दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। देखिए, इटावा की जनता ने 2017 में जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, मुकदमेबाजी की राजनीति से ऊपर उठकर, इटावा जो पिछड़ा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में से एक था, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इटावा के विकास के लिए वोट दिया था। और इटावा की उस अपेक्षा को मोदी योगी की सरकार ने, उनके बेटे उनके विधायक सतीश द्विवेदी ने पूरा करने का प्रयास किया है। जिस इटावा में एक भी नगर पंचायत नहीं था, आज इटावा बिस्कोर नगर पंचायत है। जहां एक भी राजकीय इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं था, आज दोनों बन रहा है, बन गया है। इटावा में पशु अस्पताल बन गया, इटावा में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इटावा में ITI पॉलिटेक्निक बन रहा है, इटावा में रोडवेज फायर स्टेशन और मिनी स्टेडियम बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इटावा की जनता ने देखा है कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ है। इसलिए आज इटावा मेरे साथ खड़ी है, मुझे आशीर्वाद दे रही है और पिछली बार से अधिक मतों से जीत कर इटावा से जाऊंगा, ये मुझे भरोसा है। खबर रायबरेली से है, जहां विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होते ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समर्थकों का ड्रामा चालू हो गया। बता दें कि गांव मजरे गोपालपुर उधवन में कुछ समाजवादी समर्थकों ने अपने घर के करीब बैठे कुछ युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ितों के शोर शराबे की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए, तब तक हमलावर असलाहा लहराते हुए फरार हो गए और जाते जाते हुए हिदायत दे गए कि भाजपा की तरफ से एजेंट बने तो 10 मार्च के बाद देख लूंगा। तो वही घायलों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। खबर गाजियाबाद थाना कवि नगर के शास्त्रीय नगर ई ब्लॉक से है, जहां शमशान घाट पर एक दाह संस्कार हुआ, जिसके बाद सोसाइटी वासियों ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। आपको बताते चले कि नगर निगम के खसरा नंबर गांव हरसाव जो कि भुलेख साइट पर मरघट शमशान घाट के नाम से दर्ज है, उस स्थान पर नगर निगम ने बोर्ड भी लगा रखा है जिस पर लिखा गया है कि ये जमीन गांव वासियों के दाह संस्कार के लिए है। लेकिन सोसाइटी के ही वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने पुलिस को कॉल करके बुलाया, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। मैनपुरी कस्बा बेवर के किशनपुर गड़िया में बीती 27 जनवरी को गांव के ही ट्रैक्टर से एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था।
उस समय ट्रैक्टर मालिक ने कहा था कि वो इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। वहीं परिजनों के मुताबिक युवती का इलाज अच्छे से नहीं कराया गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि परिजनों ने 20 सड़क पर बच्ची का शव रखकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। 27 जनवरी को ओवर स्पीड में ट्रैक्टर आ रहा था, बच्ची बाहर खेल रही थी, सीधे उसने बगैर हॉर्न बजाए हुए सीधे टक्कर मार दी उसको और सीधा अपनी गाड़ी में उठा के ले गई। यहाँ से ना तो फेवर हॉस्पिटल दिखाया ना मैनपुरी हॉस्पिटल दिखाया, सीधा अपनी मर्जी से जयपुर लेके चले गए और जयपुर वहाँ ट्रीटमेंट कराया लगभग 5-6 दिन। अपनी मर्जी से कौन ले गया? अपनी मर्जी बलवीर सिंह यादव जी, जिनका ट्रैक्टर था। हाँ, जो ट्रैक्टर मालिक हैं जी। और उसके बाद 5-6 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट करा के 6 दिन बाद छुट्टी करा के ले आए। उसके ट्रैक्टर सीधा पाँव पैर पे चढ़ा था उसके, बिल्कुल। और उसके बाद ट्रीटमेंट करा के 5-6 दिन यहाँ रखा, 5-6 दिन रखने के बाद सीधा फिर कहा कि यहाँ पे कि इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा ये वो, फिर थोड़ा दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के बाद जयपुर ले गए 3-4 दिन पहले, 3-4 उसके बाद आज उसकी डेथ हो गई। इसकी जानकारी आपने थाने में दी? थाने में कल आज सुबह दी थी, उन्होंने NCR ली है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसके बाद FIR लिखेंगे। कार्रवाई को लेकर के आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि आप उसकी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम की आने के बाद उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बताइए ये घटना कहाँ की है? यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।